हेलो एंड वेलकम टू रुखसार किचन। आज है 29 मार्च 2020 और दुनिया भर में कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कह रहे हैं, इसने तबाही मचा के रख दिया है। दुनिया भर में ये फैला हुआ है और हर जगह लॉकडाउन है। तो कोविड-19 एक डेडली वायरस है जो हर किसी को अफेक्ट कर सकता है और ख़ासतौर से ये बीमारों को और बड़े बुजुर्ग को ज़्यादा नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो घर पर रहिए और सेफ रहिए, और अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले या कीजिए, और कलौंजी लीजिए और खजूर लीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं यहाँ पर 3 रेसिपीज़ बता रही हूँ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें बिल्कुल कम और आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसको घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो पहले हम देखेंगे सिरका और प्याज की चटनी, जिसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं। प्याज में कई फायदे हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। और साथ में मैंने यहाँ पर लिए है 1 टमाटर। इसमें जो प्याज के फायदे हैं वो सारे हैं, साथ में है विटामिन सी। तो यहाँ पर जायके के लिए मैंने लिया है हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इन सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए है। तो हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और इन सारे चीज़ों को इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और आधा टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सिरका या विनेगर। तो 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरके में भी कई फायदे हैं, जैसे कि ये हाजमा ठीक करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में, बेली फैट कम करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में ये मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है सिरके की चटनी। तो इस सिरका और प्याज की चटनी को आप अपने रोज के खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम आपका बढ़ेगा, जैसे कि मैंने कहा, हाजमा ठीक करने में, ब्लड शुगर लेवल कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने में ये काफ़ी फायदेमंद होती है चटनी। लेकिन जब गले में खराश हो तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि खटास खाना मना होता है। तो लीजिए टेस्टी चटनी, आप इसको जरूर एंजॉय कीजिए। तो अब हम देखेंगे अदरक का जूस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने छिलकर अच्छे से धो लिया है। अदरक में कई फायदे हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, हाजमा ठीक करने में, मतली कम करने में, जुकाम और खांसी ठीक करने में भी ये मदद करता है। तो इसको हम टुकड़ों में कट कर लेंगे, छोटे पीसेस में, इस तरह से। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में हम अदरक के टुकड़ों को डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अब हम चूल्हा जला लेंगे, उसके बाद इस बर्तन को चूल्हे पर रख देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे, और जैसे ही इसमें बॉयल शुरू हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे। गैस के फ्लेम को लो करने के बाद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे इसी तरह से। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी कम हो गया है, यानी सुकर ये आधा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही ठंडा हो जाए तब हम इसको इस तरह से छान लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसके बाद मिक्स करके इसको नहार पेट आप सुबह 1 चम्मच पी लीजिएगा। और अगर आप हेल्दी है तो 2 टाइम पी सकते हैं, यानी कोई दवा अगर आप नहीं ले रहे तो 2 टाइम पी सकते हैं। अगर आप दवा ले रहे हैं तो 1 ही टाइम पीजिए, यानी सुबह 1 टाइम नहार पेट काफ़ी रहेगा, क्योंकि गोलियाँ स्ट्रांग होती है और ये भी थोड़ा सा गर्म होता है, तो दोनों मिक्स होने के बाद पेट की गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए 1 टाइम काफ़ी रहेगा। तो तीसरी रेसिपी है हमारी सिंपल चिकन क्लियर सूप। इस सूप से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, यानी ताकत आपको मिलेगी, और सर्दी और जुकाम कम करने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है ये। तो ये रेसिपी भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है विद बोन्स, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें इस चिकन के पीसेस को डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इन दोनों को मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च ले रही हूँ। तो इन सारे चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और 3 कप पानी डालेंगे इसमें हम।
प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। उसके बाद हम चूल्हे पर रखेंगे और 5 से 6 सीटियां होने तक पका लेंगे। और जब कुकर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम इसके ढक्कन को हटा लेंगे। तो लीजिए, सिंपल चिकन क्लियर सूप बनकर तैयार हो चुका है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अब हम इसका सिर्फ सूप देंगे। तो जिसकी तबीयत ख़राब है सिर्फ वो सूप पीजिए, और जिसकी तबीयत अच्छी है तो चिकन के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस सूप को आप हल्का गर्म रहते हुए पीजिए, इससे आपके गले में दर्द, सर्दी और खांसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो लीजिए, बिल्कुल 3 आसान और काफ़ी फायदेमंद वाली रेसिपीज मैंने आपको बता दिया है, आपको भी काफ़ी फायदा होगा इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।